मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस ने एक बड़ी मांग रखी है। कांग्रेस ने राजधानी भोपाल को भी आदर्श आचार संहिता के तहत लाए जाने की मांग की है, जिसे बीजेपी ने खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए वो गैर वाजिब मांगे कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की घोषणा, किसी तरह के कार्य, किसी भी तरह के ट्रांसफर निश्चित चुनावी प्रक्रिया में असर डाल सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक दो विधानसभाओं का उपचुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 28 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है, इससे पूरे प्रदेश की कार्यशैली, प्रदेश में किए जाने वाले कार्य चुनाव में असर डालेंगे। और जिस तरीके के घोषणा करने की आदि भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके का भ्रम फैलाने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, खुद उनके मंत्री इमरती देवी इस बात को बोल चुकी हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में, समूचे मध्य प्रदेश में आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। सरकार को बाध्य करना चाहिए चुनाव आयोग को कि वो नई घोषणाएं ना करे, नए ट्रांसफरों पे या उन विधानसभाओं के आसपास के जिलों में ट्रांसफर पर रोक लगाना चाहिए। गनीमत है कांग्रेस की सरकार के पूर्व मंत्री महोदय ने, विधायक महोदय ने दिल्ली में आचार संहिता लगाने की मांग नहीं की कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और वहां से लेने वाले मोदी सरकार के निर्णयों के कारण मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। ये हारने वाले हताशा से डूबे हुए कुंठित मानसिकता से, और इस समय तो मानसिक संतुलन भी सारे के सारे कांग्रेस के नेता खो रहे हैं। जब से सरकार गई है तब से लेकर अब चुनाव तक लगातार अनाप शनाप मांगे, अनाप शनाप बयान इनका सगल बन चुका है। इनका तो भगवान ही मालिक है, चुनाव आयोग तो कानून नियम धर्म के हिसाब से काम करेगा ही, लेकिन ये अब हास्य के पात्र बन चुके हैं।